नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। साल 2018 खत्म होने को है और नया साल 2019 दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में एक बार फिर भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। कैसा रहेगा नया साल, लाएगा जिंदगी में खुशियां या फिर रहेंगी परेशानियां, ये जानने की दिलचस्पी हर किसी के मन में है। ऐसे में भला बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेनगा को कौन भूल सकता है, जिन्हें नास्त्रेदमस फ्रॉम द वाल्कन के नाम से जाना जाता है। उनकी ओर से की गई भविष्यवाणी अब तक सही साबित हुई है। फिर चाहे अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला हो, फुकुशिमा हादसा हो या फिर ISIS जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां हो। बुल्गारिया में पैदा हुई बाबा वेनगा जब 12 साल की थी तो एक रहस्यमयी तूफान में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद वो भविष्यवाणी कर लोगों की मदद करने लगी। लेकिन भले ही आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन पिछले 50 सालों में उन्होंने करीब 100 भविष्यवाणी की जो कि सच साबित हुई है। फिलहाल तो 2019 को लेकर बाबा वेनगा ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें भारत भी शामिल है। बाबा वेनगा ने कहा था कि साल 2019 में 2004 की तरह विनाशकारी सुनामी आएगी जो भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में भयंकर तबाही मचा सकती है। यानी कि 2019 कहीं ना कहीं भारत के लिए बुरी खबर ला सकता है। वैसे नए साल की शुरुआत से पहले ही इंडोनेशिया में सुनामी भयंकर तबाही मचा चुकी है, कई मासूमों की जान चली गई है। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बाबा वेनगा की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो मोदी सरकार इस आपदा से कैसे निपटेगी। वही बाबा वेनगा की ये भविष्यवाणी मोदी सरकार के लिए मददगार भी साबित हो सकती है, क्योंकि खतरे को पहले से भांपते हुए भारत सरकार खासे इंतजाम कर होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकती है।